गुड आफ्टरनून प्रभु। अगर आपको याद हो, हम लोग है हमारे चैप्टर नंबर वन के यूनिट नंबर टू पे। कहा बेटा? चैप्टर नंबर वन के यूनिट नंबर टू पे। चैप्टर नंबर वन के यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू हमें सबसे पहले बात बताता है कि भैया बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, एक ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैं क्या नाम दू? रिसोर्सेज आर स्केर्ड, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। यहां पे सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है, व्हाट हाउ हुम ग्रोथ। क्या क्या बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यस ऑर नो? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। दूसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच पुअर, राइट। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंसेंटिव या लेबर इंटेंसिव एंड ग्रोथ किस तरीके से की जा सकती है। यहां से हमें तीन तरीके की इकोनॉमी समझ में आई थी। पहली थी कैपिटलिस्ट। कैसी थी बेटा? कैपिटलिस्ट। अगर आपको याद हो, आ जाओ, हम लोगों ने इस तरीके का एक चार्ट बनाना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस फेयर। यस, इसे तीनों नाम से बुलाया जा सकता है। हो सकता है आपको ऐसा कोई एमसीक्यू आए जिसमें पहला नाम लिखा हो कैपिटलिस्ट, दूसरा ये लिखा हो, तीसरा ये लिखा हो, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी योर आंसर। यहां पे सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं? प्राइवेट सेक्टर। मोटिव प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट? सीधी सी बात है। और गवर्नमेंट का रोल एक्सटेंडेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड रोल है भैया गवर्नमेंट का। अगर आपको याद हो, इसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चालू किया था, याद है क्या? यस, मैंने आपको बताया था बेटा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फीचर्स मतलब वो कैसा शादी 2 साल पहले हो जाएगी तेरी, बता रहा हूं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसा होना चाहिए। यस, कैसा होना चाहिए भैया? एक, इसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी चीज का धंधा कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट का एक लिमिटेड रूल रहेगा कि भैया क्या बेचना क्या नहीं बेचना। गांजा 150 रुपया देगा चलने वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, आप माइंस एंड अदर चीज अपने नाम से होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, कंपटीशन इज हायर, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो कंपटीशन होगा मालिक ये ज्यादा होगा। एंड द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस, इंटरफेरेंस रहेगा लेस, मोर ऑफ गवर्नेंस लेस ऑफ गवर्नमेंट। याद आया क्या मालिक? हमने कल इसके एडवांटेज भी पढ़ लिए थे पर लिखे नहीं थे, आपको अगर याद हो तो। आपको तो मालूम है हम हर चीज लिख लेते हैं। यस, मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्लीज राइट डाउन मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए सबसे पहले रिकॉल करके देखते क्या क्या मेरिट्स थे इसके। प्रभु रिकॉल करके देखते क्या क्या मेरिट्स थे इसके, बताओ क्या क्या मेरिट्स थे। आपको नहीं लगता एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है? क्यों? हाउ एफिशिएंसी इज मोर, हाउ एफिशिएंसी इज मोर, कोई तो बोल लो भैया। जब मोटिव प्रॉफिट है तो आदमी का एफिशिएंसी ज्यादा ही रहेगा। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन प्लीज राइट डाउन। 2 मिनट में मेरे पेन को चार्ज कर रहा हूं, जब तक आप लिखिए। एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके अंदर में पॉइंट नंबर वन, एफिशिएंसी इज ग्रेटर, एफिशिएंसी इज ग्रेटर, एफिशिएंसी इज ग्रेटर, ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज वी वर्क फॉर प्रॉफिट, बिकॉज वी वर्क फॉर प्रॉफिट। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अपने कॉस्ट कम करना चाहोगे तो आप रिसोर्सेस को उतना ही बेहतर यूज करना चाहोगे, ताकि अगर आपको याद हो पार्ले वेस्ट से भी क्या निकाल रहा है, प्रॉफिट। थर्ड थर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। सर कैसे? अरे भैया जब प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट कम करनी होगी, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करना चाहेगा, हर मींस एंड मेथड्स लगाना चाहेगा उसको कम करने के लिए। फोर्थ, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड। कंज्यूमर कैसे बेनिफिट होंगे, वापस से रिकॉल करो, कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा? अरे जब कंपटीशन ज्यादा तो प्रोडक्ट प्राइस में कम आएगा, प्रोडक्ट प्राइस में कम आएगा तो बेटर क्वालिटी भी मिलेगी। आदमी बोलेगा मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, वो बोलेगा मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, फीचर एड ऑन किए जाएंगे, प्रॉफिट डाउन होते जाएगा, तो अल्टीमेटली किसका फायदा है? कंज्यूमर। नेक्स्ट, इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग, इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स फॉर प्रॉफिट, इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स फॉर प्रॉफिट। वेट अ मोमेंट, सेल्फ रेगुलेटिंग, गवर्नमेंट का तो रेगुलेशन वैसे ही कम है, प्रॉफिट मोटिव पे वर्क कर रहे हो तो जो सही चीज देगा, जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो प्रॉफिट ही रहने वाला है, और आप सेल्फ ही रेगुलेट करते हैं, डिमांड में, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ही मार्केट को क्या करती, रेगुलेट करती है। आज मुझे एक बात बताइए ना कहीं मोबाइल इंडस्ट्री जो है ये हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में कैसी चल रही है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में चल रही है, फ्री, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। यस, अब आप देखिए एप्पल के अंदर में कुछ नहीं भी रहेगा तो भी 1 लाख के ऊपर ही बिकना है। यस, वीवो, अगर वीवो MI एंड बाकी चीजें देखे, उनने अपना 60,000 के ऊपर का प्रोडक्ट निकाला तो बिकना ही नहीं है। एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की सर्विस को लेकर के, सर्विस को लेकर के क्या बन गई है, मेंटालिटी बन गई, और वही मेंटालिटी पे वो लोग क्या करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट मालिक? चलो लास्ट पॉइंट लिखिए, इट ऑफर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इट ऑफर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, इट ऑफर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इट ऑफर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। कल हमने एग्जाम्पल दिया था शार्क टैंक, नए नए लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप लेकर के आते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, और यह काफी प्रोग्रेसिव चीज है। यस, चलो ये कही वाला पार्ट था जो हमने कल पढ़ा था, आज सिर्फ हमने उसका पॉइंट्स लिख लिए, दैट्स इट, इतने ही पॉइंट है उसके अंदर के, राइट? अब सर ये एडवांटेजेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने मेरे से पूछना चाहिए, पूछो ना। ये जो 5-6 आइटम आपने लिखे ना मालिक, ये 5-6 आइटम में से आपको 3 आइटम देंगे ऑल ऑफ अबव पूछ लेंगे, या फिर 2 आइटम एडवांटेज के देंगे, 1 आइटम डिसएडवांटेज का देगा, और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स, बस इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलने हैं, राइट? सो आते हैं पेज नंबर 13 पे, सभी लोग पेज नंबर 13 प्लीज कम। हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम, आखिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? बच्चे, मेरे बच्चे, एक बात याद रख, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही फंडे से सॉल्व होती है, वही 4 सवाल से सॉल्व होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पे भी वही 4 सवाल अप्लाई होंगे, क्या लॉजिक है इसका, ये कोई नया सवाल थोड़ी ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही जब 4 है तो इसको सॉल्व करने के भी इश्यूज कितने हैं, 4 ही है। यस, 4 ही इशू है, जब इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही 4 है तो इसको सॉल्व करने के आंसर भी 4 ही होंगे। अरे भाई जब ताले 4 होंगे तो चाबी भी तो 4 ही होगी, यस और नो, ऐसा थोड़ी ना होगा चाबी 25-30 बन जाएंगी,
ताले अगर चार है तो चाबी भी चार ही है, हमारे अगर इश्यूज ही चार है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर भी वही निकलने वाला है। देखिए, डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आंसर भी तो वही आने वाला है हमारे पास भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना सिंपल है, कुछ भी जैसा हार्ड नहीं है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यही तो सबसे बड़ा इशू है और यही एमसीक्यू भी है। दे डू नॉट हैव अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब जरा बात समझिएगा, अगर कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है बेटा, अगर कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में होता है तो पॉइंट क्या होता है कि देर इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो सारी चीज डिसाइड करती है। अब यहां पे डिसाइड करने वाला कोई है ही नहीं, एक कंपनी उधर भाग रही, एक कंपनी उधर भाग रही, एक कंपनी उधर भाग रही। इमेजिन करो आप अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है पता है क्या, जब आप इतने सारे कजिन्स के साथ ट्रिप पे जाते हो, आपको पता है एक टाइम रहता था अपन कजिन्स के साथ बचपन में जाते थे, ठीक है। मेरे कजिन्स ने मुझे बिना पूछे, मतलब इज्जत ही नहीं है, वो होता है ना आपके कजिन में आप सबसे छोटे होते हो तो आपकी इज्जत नहीं करते लोग, बस तो मेरे कजिन्स में भी मैं सबसे छोटा, मेरी इज्जत ही नहीं की गई, डायरेक्ट मेरे को पूछे बिना मेरी टिकट बुक, पूछ तो लो जा कहाँ रहा हूँ, सालो वापस नहीं आया तो ढूंढते बैठो कि जाना कहाँ है, कहाँ जा रहा हूँ पूछो, सिक्किम जा रहा हूँ मैं, कहाँ है नालायक को, अपने देश का नॉर्थ ईस्ट वहां पे जा रहा हूं मैं। मेरे से पूछा तक के नहीं कि भैया तेरे को ऑप्शन क्या चाहिए, क्या इच्छा है क्या तेरे चलने की, डायरेक्ट बुक। उसमें से आदमी ने टाइम बचाने की चीज है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारे सारे जितने भी मेरे कजिन्स हैं सब अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। एक मैं ही हूं जो सादा सुधा कमा रहा हूं, मतलब बाकी सब अच्छे, अरे मतलब मेरे को 100 रुपये रोज मिलते ना मालिक, तुम्हारे को तो मालूम है अपना 100 रुपये रोज का फंडा है, यस। अबे कमा मैं बहुत रहा हूँ, बीवी 100 देती है मेरे को, समझ नहीं रहा है तू, मैं कमा रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे को कमाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल अर्निंग 100 रुपये है, तेरे को झूठ लग रहा है। तो 20 रुपये मैंने और दर्शन सर ने चाय भी तो पी है, देखा उसमें भी शक है लोगों को। उसमें भी सर हाइट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अभी पैसे कमा रहे, चुपचाप उठ के फ्लाइट से जाने का ना इतनी दूर, क्या करने की इच्छा है, गधे सारे के सारे गधे कजिन, क्या करने की इच्छा, ट्रेन में लेके जा रहे हैं। अरे मैं बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, 40 घंटे ट्रेन में बैठा रहे मेरे को, क्या करने का 40 घंटे ट्रेन में, पत्ते खेलेंगे। आप यार अपन कजिन्स के साथ जाते, सारा पत्ते खेलते रहते ट्रेन में। अरे पत्ते खेलने के लिए तुम साले बेवकूफ होकर 40 घंटे ट्रेन में बैठा के लेके जा रहे मेरे को। अब इतने जब लोग जाते, देर इज नो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग अथॉरिटी। एक भाभी बोलती मैं थेपले लेके जाऊंगी, एक भैया बोल रहा है चल थेपले अपन पिज्जा लेके जाएंगे, एक बोलता अपन उधर जोमेटो कर लेंगे, एक बोलता भाई ट्रेन में नहीं खाया बहुत दिन हो गए अपन ट्रेन में खाएंगे। मतलब साले पागल हो गए, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको जो समझ आ रहा वो कर रहा, आप समझ आ रही, जिसको जो समझ में आ रहा वो कर रहा। अब सेम इशू देखो, अगर आपकी कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन लेने वाला अगर कोई एक बंदा नहीं है, तो आदमी 10 घोड़े। अब एक ही बात समझिएगा, कभी आपने वो चैरियट को दौड़ते हुए देखा है, सामने 4-5 घोड़े और एक चैरियट चल रहा है, अगर उसको चलाने वाला ही नहीं रहे, हर घोड़ा अपनी दिशा में भागेगा। अरे मालिक, हर घोड़ा अपनी दिशा में भागेगा। सो इनके साथ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनके पास कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है ही नहीं, कोई प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से जा रही। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट, हाउ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सच एन इकोनॉमिक यूजेस द इम्पर्सनल फोर ऑफ मार्केट डिमांड। सच इकोनॉमी यूज द इम्पर्सनल फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब ऐसी इकोनॉमी क्या करती है बेटा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। काय के ऊपर चलती है, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट क्या मांग रहा, मार्केट अगर मांगेगा भैया मैगी में रूह अफजा, मैं मैगी में रूह अफजा बनाएगा, खत्म काम। उसके बाद में मैं दिमाग नहीं लगाएगा कि ये अच्छा है नहीं है, इसको ऐसा खाने से गौ हत्या जितना बड़ा पाप लगता, सब इररेलेवेंट। मार्केट नहीं है मंगा देने का भाई। वड़ा पाव वॉज समथिंग विच इज नोन, समोसा पाव क्या कंसेप्ट है, बट यू नो यस देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड समोसा पाव, देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड समोसा पाव, कोई लॉजिक है इस बात का, नहीं। यस, अब ऐसी इकोनॉमी
जब आप फ्री हो कुछ भी बनाने के लिए तो ये कुछ भी बना सकते हैं। आज से नहीं लेना है ना? अरे मैं तो आगे भी बढ़ गया, मैं बाद में अपलोड करवा देता हूँ फिर, है ना? डन डन। तो जब सेंट्रल कोई है ही नहीं, आप बात समझिएगा, जब सेंट्रल कोई है ही नहीं तो जिसके जो मर्जी में आ रहा प्रोड्यूस करे जा रहा, जिसके जो मर्जी में आ रहा वो क्या करे जा रहा, प्रोड्यूस करे जा रहा। अब वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? वो बोलेगा मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है, मेरे आजू बाजू लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मेरे आजू बाजू लोग अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये चाहिए, मैं वो चीज दे दूंगा, खत्म हो गया काम। अब फिर क्या प्रोड्यूस करना, देश कहां जा रहा, दुनिया क्या जा रही, इररिलेवेंट। मेरा प्रॉफिट बन रहा ना, काम खत्म। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। समझ में आई बात? दैट वॉज अ डायलॉग फ्रॉम अ मूवी, आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, बहुत ही घटिया मूवी थी, बट सो सच एन इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस। इम्पर्सनल मतलब उसके आजू बाजू जो डिमांड रहेगी वो बनाना चालू कर देगा। फिर देश क्या बना रहा है, दुनिया क्या बना रही, सब इररिलेवेंट हो गया, राइट? डिसाइडिंग वॉट टू प्रोड्यूस, द एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। दिस कॉज बिजनेसमैन टू कंपीट विथ वन अनादर टू प्रोड्यूस दोज गुड विच कंज्यूमर विश टू बाय। पहला, ऐसी इकोनॉमी में वॉट टू प्रोड्यूस, वॉट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन ही नहीं है, जो चीज प्रॉफिट देगी दैट आई विल प्रोड्यूस। वॉट टू प्रोड्यूस इज नॉट अ क्वेश्चन, जो चीज प्रॉफिट देगी वो मैं बनाएगा, काम खत्म। मान लो हमारे यहां भांग पीने वाले लोग ज्यादा है, अपन भांग बनाएंगे, इररिलेवेंट भांग बेचना सही है या गलत है, प्रॉफिट बन रहा है, काम खत्म, राइट? प्रॉफिट बन रहा है, काम खत्म। फिर हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे ये एथिकल है अनएथिकल है, ये सही है नहीं है, मॉरल है इमॉरल है, सब गया तेल लेने के लिए। हम वो करेंगे जिससे हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, एनीथिंग विच क्रिएट प्रॉफिट। व्हाट टू प्रोड्यूस, एनीथिंग विच क्रिएट्स प्रॉफिट। हर वो चीज जो प्रॉफिट दे दे तुमको, खत्म, आप वही प्रोड्यूस करना चाहोगे। एनीथिंग विच क्रिएट्स प्रॉफिट। अब बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, एनीथिंग विच रिड्यूस कॉस्ट। अरे भाई साहब लॉजिक लगाना, देख एकदम लॉजिक, तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउ टू प्रोड्यूस एनीथिंग विच रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा, सो एनीथिंग विच रिड्यूस कॉस्ट, हम वो टेक्नोलॉजी लेंगे। भाई बात समझिएगा, लेबर अगर सस्ते में मिल रहा होगा तो हम लेबर इंटेंसिव पे जाएंगे, अगर मशीन सस्ती मिल रही होगी तो हम मशीन पे जाएंगे। एनीथिंग विच रिड्यूसेस द कॉस्ट इज द सिंपल फंडा इन दिस इकोनॉमी। प्रॉफिट बढ़ाना है वो धंधे में घुसो जिस धंधे में प्रॉफिट ज्यादा है, बाटली बेच के आया बाटली बेच के कमाएंगे, खत्म हो गई काम, राइट? दूसरा, ऐसी चीज जिससे कॉस्ट कम हो जाए, कम में बम मिले, तो बस वही चीज चाहिए अपने को भी, यस। हाउ टू प्रोड्यूस एनीथिंग दैट रिड्यूस कॉस्ट, हर वो चीज जो कॉस्ट कम कर दे, एनीथिंग विच रिड्यूस कॉस्ट, बस वही चाहिए अपने को। वो बनाओ जो प्रॉफिट दे, वैसे बनाओ जो कॉस्ट बचाए। हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जो डिमांड कर रहा है उसके लिए, सिंपल। मैं अपने लिए थोड़ी ना बनाने के लिए बैठा है, ओ चम्मी कपूर, मैं क्या मेरे लिए बना रहा क्या, नहीं, मैं किसके लिए बना रहा, लोगों के लिए, कंज्यूमर, किसके लिए, कंज्यूमर, जिनने मेरे से क्या करी है, डिमांड, जिनने मेरे से डिमांड करी, भैया ये वाला बनाइए, हमने वो बनाना चालू कर दिया, ये वाला बनाइए, हमने वो बनाना चालू कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज इन कैपिटल इकोनॉमिस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी, इट डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट डिमांड एंड क्लास ऑफ पीपल। उनके लिए बनाएंगे जो खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट उनसे ही बनेगा। क्या बनाएंगे, जो वो कहेंगे वो बना देंगे साहब। आपने कभी लोलाइस देखी है? अरे वो कार लोलाइस, रोलाइस, रोलाइस देखिए, नहीं देखिए, रोल्स रॉयस, आपको पता है रोल्स रॉयस, अच्छा जैगवार, आपको पता है ये ब्रांड बड़े क्यों है, या जैगवार की बात करते हैं, चलो रोल्स रॉयस तो बहुत दूर की हो गई, जैगवार तो खैर दिख भी जाती है, ठीक है, जैगवार क्यों इतनी चलती है सर? डिजाइन अच्छा है,
हाँ सर सामने चीता लगा हुआ है, अच्छी बात है, और क्या सर, जाहिर सी बात है गाड़ी ऐसी बड़ी है, XJL ऐसी बड़ी लंबी गाड़ी है, ऐसा लगता है विलेन आया है। सही है, उससे ऊपर की एक बात बताऊं मैं आपको क्या है। पॉइंट नंबर एक, आप तीन सीट टाइप्स में से चुन सकते हो, तीन अलग अलग सीट कवर में से चुन सकते हो। अंदर का जो लेदर है ये कौन से कलर का चाहिए ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। कभी भी जैगवार कस्टम मेड बनती है। जैगवार कैसे बनती है? कस्टम मेड जैगवार। आप ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लॉटरी लगी, ये भाई को लॉटरी लगी, भाई ने अपने पोते में पैसा भरा, उधर मस्त ऐसा गठरी लेके पहुंच गया, बोले हाँ जी सर क्या चाहिए आपको? भाई को चाहिए जैगवार, जैगवार लेगा मैं। हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली आइए, पैसे दीजिए, ये ले पैसे गिन। ठीक है चिल्लर, अरे बहुत दिन से जमा किया पूरा गिन, एक एक रुपया है, कितने की गाड़ी है? डेढ़ है ना? हाँ ये डेढ़ है, गिन ले, बोले पूरे। आप डेढ़ देखने के बाद दूसरे जगह पे जैसे आपकी गाड़ी बाहर आ जाएगी, जैगवार में वैसा नहीं होता, जैगवार में पहले बुकिंग होती है। मैं आपको जैगवार खरीदने का प्रोसेस बताता हूँ, और एक विजन लेकर के चलना मालिक कि लाइफ के अंदर में अपने मम्मी पापा को जैगवार में बैठाओगे, यस उनके फेवरेट कलर की सीट पे। नाउ आप जाओगे पैसा देके बुकिंग करोगे, द मोमेंट बुकिंग हुई, बुकिंग से 30 दिन के अंदर में आपकी जैगवार आती है। जैगवार कभी भी आपको, आप कभी जैगवार का शोरूम देखिएगा, जैगवार का शोरूम के अंदर में सिर्फ एक या मैक्स दो गाड़ी खड़ी रहेगी, बाकी होता ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक बड़ा लॉन्च रहेगा जहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। सर आपको इतना कैसे पता है? जाके आया हूँ इसलिए, जाके आया हूँ इसलिए। आप जाते हो, आप बुकिंग करते हो, बुकिंग करने के बाद आपको वहाँ पे उनके साथ टेक्निकली 2 दिन बैठना पड़ता, ये बताने के लिए कि हैंडल का कलर क्या चाहिए, आजू बाजू सीट्स का कलर क्या चाहिए, फ्रंट का कलर क्या चाहिए, बैक का कलर क्या चाहिए, फिर उसकी कुशनिंग कैसी होनी चाहिए, फिर आपको वहाँ पे 3-4 सॉकेट ऑप्शंस है, तो सॉकेट ऑप्शंस किस तरह से डालने हैं, राइट किसके बाजू क्या रखना है, कुछ लेफ्ट हैंडी होते हैं कुछ राइट हैंडी होते हैं। आज इंडियन कार्स कैसी होती है कि भैया एक ही हैंड के हिसाब से आप अज्यूम करते हो, बट यू नो मैक्सिमम लेफ्ट हैंड के हिसाब से आप अज्यूम करते हो, बट उसमें आपको कपल ऑफ ऑप्शंस भी रहते हैं कि ये बटन इधर डाल ये बटन इधर डाल। तो इस तरह से जैगवार कस्टमाइज की जाती है, और जब आप बुक करते हो, जब आपने पूरे स्पेसिफिकेशन दे दिया, वहां से 30 दिन के अंदर में जैगवार आती है आपकी डिलीवरी। समझ में आ रही बात? तो क्या बनाएंगे? पहला जिनकी बाइंग कैपेसिटी है उनके लिए बनाएंगे, और जो डिमांड कर रहे हैं वैसा बनाएंगे, जो डिमांड कर रहे हैं वैसा बनाएंगे। गेटिंग? कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर। यहां पे अब कंजम्पशन और सेविंग का गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं, यहां पे कंज्यूमर अपना अपना पैसा सेव कर लेता, वो अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लेता। कंज्यूमर सेविंग आर गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में आपकी सेविंग आपके बैंक अकाउंट में पड़ी रहती है, आप वहां बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जो आपके घर के पास है और ज्यादा बेटर सर्विस दे रहा है, यस, जिसमें लंच टाइम कम हो। हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। ये कोई लॉजिकल बात तो बोल नहीं रहे हो, बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहे हैं। मेरा 1 लाख रुपए अकाउंट में होगा तो 1 लाख के हिसाब से मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो भी ज्यादा होगा, मेरे बैंक अकाउंट में 10 हजार होगा तो 10 हजार के हिसाब से इंटरेस्ट भी उतना ही होने वाला है। तो ये एकदम सिंपल सी बात बोल रहे हैं। चलिए, हाउ डू कैपिटल इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम? हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम? देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, हेंस देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, हेंस वॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रॉफिट।
एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रॉफिट. How to produce any way that saves cost. Any way that saves cost. Anything that save cost. Third, for whom to produce? For whom to produce? For those who have buying capacity. For those who have buying capacity. And economic growth depend upon the rate of interest. डने साहब, चलिए तो देखिए, सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या क्या पढ़ा. वापस से, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाउ डज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम, फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यस, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक. सो वापस से, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट्स एंड मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यस, अगर आप देखें, हमने चार्ट का पेज खाली रखा है और हम उसके आगे के पेजेस में लिखे जा रहे हैं. डोंट यू थिंक सो? चलिए, एक लास्ट पॉइंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पेज नंबर 15. डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. डन सर, क्या डीमेरिट्स है? सबसे बड़ा डीमेरिट्स है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर होते जाएगा, गरीब और गरीब होते जाएगा. जिसके पास पैसा था उसने बिजनेस में लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया, अमीर और अमीर होता जाएगा. और कोई अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी रहा ही नहीं तो गरीबों की कोई सोचेगा नहीं. इसीलिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है. समझ में आई बात? क्योंकि अगर प्योर कैपिटलिस्ट डाल दिया तो अमीर और अमीर हो जाएगा साहब, और गरीब और गरीब हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा इनइक्वालिटी जनरेट करेगा. यस, सो देयर विल बी अ वास्ट इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस. क्या रहेगा बेटा? सोशल इनजस्टिस. सर, सोशल इनजस्टिस का मतलब, सोशल इनजस्टिस का मतलब गरीबों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा. गरीबों को बोला जाएगा, गरीब आया, पैसे है? नहीं सर, पैसे नहीं है. निगितुन, पहली फुर्सत में निकल. मान लीजिए आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैं. यस, देर सवेर आपकी एक्स को कोई प्रोडक्ट चाहिए था. आपकी एक्स आई, हाय विजय, यू रिमेंबर मी. देखा सा लग रहा है. एक्चुअली ना, आई डिडंट हैव मनी, तो कैन यू प्लीज गिव मी सम गुड्स फ्रॉम योर शॉप. देख क्या था, तेरे को ना एक बार दिल देके देखा, रिटर्न नहीं आया. नाउ यू हैव बैड डेब्ट्स.
अब आपको कुछ नहीं मिल सकता, पैसे है तो बात करो, नहीं तो प्यार मोहब्बत सब छोड़ चुके हैं हम, पैसे है तो बात करो। अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा बेटा, सोशल इनजस्टिस इन इक्वालिटी, पैसे है तो बात करो, क्योंकि देखो अपन बैठे हैं काय के लिए बेटा, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट नहीं तो अपना कोई लेन देन नहीं, सीधी सीधी बात है। सो ये इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा अंडर द कैपिटलिज्म। इनइक्वालिटी रिड्यूस द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो लोगों का भला होता है वो नहीं हो पाएगा, एग्रीगेट वेलफेयर जो होता है आज सोसाइटी के अंदर में। सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होता है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप जो टैक्सेस पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स के नाम से या इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से, सरकार इससे क्या करती है, सरकार इससे रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाती है, सरकार इससे जिन लोगों के पास घर नहीं है उनका घर होता है, इसके बाद में जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको क्या करती है, मिड डे मील स्कीम देती है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि भैया हर स्कूल के अंदर, इसमें तो खैर वो मूवी भी आई हुई है हिचकी, यस, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हर स्कूल के अंदर में मैंडेटरी किया कि नहीं भले ही तुम्हारा मोटिव प्रॉफिट है पर तुम्हें हर क्लास के अंदर में एटलीस्ट 6 बच्चे ऐसे रखने ही पड़ेंगे हु आर नॉट फाइनेंशियली वेल्दी, तो आपको ये रखना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा ना किया तो जो एक इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी का, जो लोग यू नो अच्छे भी हैं लेकिन उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे, ऐसे लोग तो फिर कभी उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसे लोग तो कभी उठ ही नहीं पाएंगे, उन्हें मजबूरी के अंदर में कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। एज अ होल एंड स्प्लिट द सोसाइटी इनटू टू क्लास, हैव्स एंड हैव नॉट्स, फिर ये दो क्लासों के अंदर में बढ़ जाएगी। वो आपने देखा ना मुंबई शहर के अंदर में, एक तरफ बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां। तो ये जो डिफरेंस है ना बीच के एक रोड का, जैसे अगर आप जाएंगे तो धारावी के साइड में देखेंगे अभी मुंबई के साइड में, यस, बड़े बड़े स्लम्स, और उसी के अपोजिट के अगेंस्ट में देखोगे तो बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एरिया, हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया, दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, ये जमीन पार करते करते किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, ये रोड क्रॉस करते करते किसी की कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सो कुछ फिर अगर ऐसा हुआ तो हैव्स और हैव नॉट्स में आपकी पूरी जीवन बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है और कुछ ऐसे लोग जिनके पास है ही नहीं। अंडर कैपिटलिज्म देर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, यहां पे प्रॉपर्टी राइट्स पे ज्यादा फोकस होता है रादर देन ह्यूमन राइट्स। सर कैसे, सीधी सी बात है, आदमी जब काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो वो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए देखेगा ना कि ह्यूमंस, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए देखेगा ना कि ह्यूमंस के ऊपर ध्यान देगा। वो क्या बोलेगा, वो बन जाएगा केजीएफ का अपना भाऊ, वो बोलेगा दिन में भी काम करो रात में भी काम करो, अपने को चाहिए और सोना, तुम गया ह्यूमन ह्यूमन राइट्स गए तेल लेने के लिए, राइट। तो वो इस चीज के ऊपर वर्क करेगा, इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, अच्छे काम सब तेल लगाने गए, पैसा दमड़ी खत्म। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड परपेचुअल अनफेयरनेस इन द सोसाइटी, ड्यू टू द इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ सोसाइटी। इनइक्वालिटी के कारण कभी रियल नीड समझ के ही नहीं आएगी। रियल नीड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन है, बराबर है, और ये 100 किलो के 100 किलो अमीर आकर के लेके चल जाते हैं, लेकिन डिमांड एक्चुअली सिर्फ 100 की होगी क्या, नहीं, उन लोगों के बारे में तो आपने एक डिमांड की नहीं सोची जो पे नहीं कर पाए, पर कंजम्पशन तो उनको भी करना है, कंजम्पशन तो उनको भी करना है, पर वो ये चीज कर नहीं पाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। आप जाहिर सी बात है ह्यूमंस का तो आप सोच ही नहीं रहे हो, आपसे प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हो, आप बोलोगे पगार दे रहा हूं ना पूरी की पूरी, देखो पगार कितनी मिल रही, 16,000, सुबह 8 बजे आने का, रात में 11 बजे जाने का, एक्सप्लॉयटेशन। देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भाई जी, देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तू आउटपुट नहीं निकाल पा रहा, बूढ़े हो गए हो काका, बूढ़े हो गए हो, उठाना नहीं जम रहा है, इनको देखो बाल सफेद कर बैठे, अब तुमसे ना हो पाएगा, अब वो ताकत नहीं बची तुम में, गो आउट। आप बताइए, देर इज अ इनसिक्योरिटी, जो जिनसे आउटपुट नहीं आ रहा उनको निकालो भैया, अब तुम कोई काम के नहीं रहे। दिस मेक्स वर्कर मोर वल्नरेबल,
कंज्यूमर सॉवरनिटी इज अ मिथ एज कंज्यूमर ऑफन बिकेम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सेस कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव वर्क टूगेदर अगेंस्ट द कॉमन्स वेलफेयर. देर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल एलोकेट फॉर लग्जरी गुड्स. लेस वेज गुड्स विल बी प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ देयर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी. ज्यादा से ज्यादा कंपनी लग्जरी गुड्स बनाने पर ध्यान देगी. क्यों? ज्यादा प्रॉफिट में बिकती है. और छोटे छोटे गुड्स जो डेली नीड की चीजें हैं ये कोई बनाएगा ही नहीं. जब डेली नीड की चीजें अगर बनाना बंद हो गया तो फिर एक लोअर क्लास खत्म हो जाएगा. क्योंकि डेली नीड्स की जो चीजें होती है ये बड़ी सस्ते में बिकती है. आप देखिए सर, आप निर्मा पाउडर को कितने में बेच दोगे? मैक्सिमम 200 रुपये में बेच दोगे, उससे ऊपर क्या ही बेचोगे. यस, यही कार कोटिंग पाउडर इससे 10 गुना ज्यादा महंगा आता है. कार कोटिंग पाउडर इससे 10 गुना ज्यादा महंगा आता है जबकि ये सस्ता आता है. जबकि नीड किसकी ज्यादा है? निर्मा की नीड ज्यादा है, फिर भी वो ज्यादा महंगा बिकता है. लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड मोर हार्मफुल गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड. आदमी पढ़ाई और हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं देगा. मोर हार्मफुल गुड विल बी प्रोड्यूस्ड. मोर हार्मफुल गुड्स, कैसे? 2 रुपए का बीड़ी पत्ता, हार्डली 1 रुपए का पेपर, हार्डली 50 पैसे का बड, मिला करके 1.5 रुपए की सिगरेट बनती. उसका डब्बा भी पकड़ लिया तो और 50 पैसे, 3 रुपए की एक सिगरेट बिकती कितने में? बिकती कितने में? मतलब बहुत लोगों को पता है यहां पे. बिकती कितने में? 15, 17, 20, 22. अब आदमी को 3 रुपए की बनी हुई चीज अगर 20 रुपए में बेच रहा है, कितने टाइम्स प्रॉफिट हो गया? 4 टाइम्स, ज्यादा टाइम सर. आर यू गेटिंग? टेंटेटिवली 7 टाइम्स प्रॉफिट हो गया. वो टेंटेटिवली 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट हो गया. आदमी को 6 to 7 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है ऑफ द प्रोडक्शन. 700% का प्रॉफिट मिल रहा है भाई साहब. आदमी एजुकेशन पे काहे को ध्यान देगा? आदमी हेल्थ केयर पे काहे को ध्यान देगा? वो बोल रहा है भैया अपने को मिल रहा है प्रॉफिट, अपने को चाहिए फुल इज्जत, अपने को मिल रहा है पैसा. अपन ये हेल्थ केयर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई सब गई तेल लेने. पढ़ने का इतने साल पढ़ा कुछ काम ना आया, अब सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे. अगर ये एटीट्यूड बन गया आपका तो आप सोचिए ना, फिर तो आपका काम ही खत्म हो गया. तो ये सही नहीं है. ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन इन कैपिटलिज्म. अनसर्टन प्रोडक्शन, अनसर्टन प्रोडक्शन क्यों है? आपको प्रॉफिट बनाना है, आप क्या करोगे? धनाधन गुड्स बनाना चालू करोगे. अरे छोटा सा एग्जाम्पल, ओला स्कूटर लिखो. छोटा सा एग्जाम्पल, ओला स्कूटर. 2020 के अंदर में जब ई व्हीकल का पॉलिसी आया, ओला ने कहा हम अगले साल एक साल के अंदर में क्या करेंगे, 5000 व्हीकल बनाएंगे. समझिए, आज आप देख रहे होंगे ओला की स्कूटर के अंदर में क्या लग रही है, आग लग रही है. राइट, ओला का स्कूटर अचानक रिवर्स गियर के अंदर में जाना शुरू कर रहा है. अब आप बताइए ये कैसे हो रहा है? अनप्लान्ड प्रोडक्शन. ओला ने विदाउट रिसर्च, विदाउट प्रोडक्शन कितना हो पाएगा, विदाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, विदाउट एक्चुअल वेरिफिकेशन, उनने धनाधन क्या कर दिए, प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिए. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं हुई, बैटरी टेस्टिंग नहीं हुई, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, और एक साल के अंदर में कमिटमेंट कर दिया कि मैं 5000 स्कूटर बाहर कर दूंगा. दूसरा था ओवर कॉन्फिडेंस. एक साथ 5 लाख स्कूटर का बुकिंग मिल गया ओला को एक दिन में, तो इनका ये बहुत बढ़ गया. मतलब एक तरफ से कंज्यूमर का प्रॉफिट एंड सेल जनरेट होना चालू हो गया, दूसरे तरफ से प्रोडक्शन के लिए डिमांड आनी शुरू हो गई. तीसरे साल, एक साल के अंदर में उसने बोला हम रिसर्च भी कर लेंगे, टेस्टिंग भी कर लेंगे, गाड़ी भी बाहर ला लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे देंगे. एक साल में कैसा पॉसिबल है ये? कैसा पॉसिबल है एक साल के अंदर में इतना सब कुछ करना? पॉसिबल है साहब? एक साल में सीए बन पाओगे? दो में? कुछ चीज़ों को टाइम लगता है. समझ में आ रही बात? आप कितनी भी जल्दी करो, जितना टाइम लगना है उतना लगना है. बात समझ रहे हो? जल्दी नहीं हो सकता, जितना टाइम लगना है उतना लगना है. सीधी सी बात है. अब ऐसे केसेस के अंदर में आप अगर विदाउट प्लानिंग जाओगे तो ये अनप्लान्ड प्रोडक्शन है. अनप्लान्ड प्रोडक्शन आपको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा. सीधी सी बात है.
देयर इज एनामरस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्स एज फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट. अननेसेसरी चीजों के अंदर में भयानक पैसा खर्चा होता है. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, तन आतन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर में क्या किए जाते हैं, पैसे खर्चा किए जाते हैं. क्यों खर्चा किए जाते हैं? जितना दिखेगा उतना बिकेगा, जितना बिकेगा उतना प्रॉफिट आएगा. कैपिटलिज्म लीड्स टू मोनो, अरे कैपिटलिज्म लीड्स टू मोनो मोनोपोलीज. आदमी अपनी मोनोपोली क्रिएट करेगा और क्या करेगा. एक्सेस मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमारे देश में पहले यही तो होता था, धनाधन धनाधन पेड़ काटे जा रहे हैं, धनाधन धनाधन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है. अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. आज देख लो 43 डिग्री सेल्सियस पे पुणे बैठा है. भाई साहब पुणे के टेम्परेचर कभी इतने थे नहीं, हम भी पुणे में रह के बड़े हुए हुए हैं. सर मैक्सिमम टेम्परेचर पुणे के अंदर में जाता था 38-39, अब मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 48-49. आप समझो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है. आपने पेड़ काट दिए, एक्सेसिव डिप्लीशन कर दिया, एक्सेसिव कंजम्पशन कर दिया, हो गई फिर. इसीलिए देखो रिसेंटली गवर्नमेंट्स ने क्या किया है. अपन क्या होता था इंडिया के अंदर में, देखिए पहले इंडिया में बहुत जंगल एरिया था, तो लोग बॉडी जलाने के लिए क्या करते थे, लकड़ियों को काटते थे ताकि लकड़ियां भी कम हो जाए और बॉडी भी अच्छी से डिकम्पोज हो जाए. आज यही, अगर खैर लड़कियों को तो पता नहीं, लड़के अगर आप कभी शमशान भूमि पे गए होंगे, आज बहुत सारे लोगों के घर वाले ही बोल देते हैं भैया लकड़ी में नहीं करना है, आप इलेक्ट्रिक मशीन में डालो. इलेक्ट्रिक मशीन में जाता है सर 5 मिनट के अंदर में बॉडी ख़त्म. मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो लोगों के पास टाइम कम रहने लग गया. पहली बात तो वहाँ जाओ, वहाँ खड़े रहो, फिर वहाँ से वो लोग शमशान घाट लेकर के जाते, फिर वहाँ पे अलग रिचुअल्स रहते, वहाँ पे रिचुअल्स निपटाने के बाद यू नो जब तक के सब जलता नहीं तब तक के खड़े रहो. आजकल इतना काम ही नहीं है. आजकल आप जाते हो वहाँ पे एक मशीन रहती, मशीन के अंदर में डाला. पहले क्या होता था, अगर सपोज डेड बॉडी ज़्यादा है तो कई बार तो डेड बॉडीज को लेकर के खड़े रहना पड़ता था. आज ये सिचुएशन ही नहीं है. एक डेड बॉडी मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर में बाहर, 10 मिनट के अंदर में, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, प्रोसेस कंप्लीट हो सके. दूसरी बात, इलेक्ट्रिक इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, वेर एज द ट्रीज आर नॉट रिन्यूएबल एनर्जी. तो इसलिए ये काम होता है. डन है बेटा, चलिए आइए डीमेरिट्स लिखिए. डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर. पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट्स ट्रू पिक्चर. No security of employment. Waste of productive resources.
डन है सर? यो मैन, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एग्जाम्पल क्यूबा, एग्जाम्पल क्यूबा, साउथ कोरिया, किम जोंग उन, राइट? हर चीज किसके हाथ में? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हर चीज गवर्नमेंट के हाथ से गुजरती है. द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोफाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेलस इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इन दिस इकोनॉमी मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्री कैपिटल्स माइंस आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट. हियर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, हियर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. फॉरेन में गवर्नमेंट को स्टेट्स कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट. ऑल मेंबर आर एंटाइटल टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट. अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. इधर आ जाओ, ये चार्ट बनाया था. ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सोशली प्लान्ड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी और सोशली प्लान्ड इकोनॉमी. इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स वेट अ मोमेंट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेलस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट ब्रैकेट में गवर्नमेंट. आपको नहीं लगता जब आप सेल्फ स्टडी करते रहोगे एक ही चार्ट में आपके 7-8 पेज का शॉर्टकट बन जाएगा? ये जो नोट्स में 7-8 पेज लिखे हुए ये पढ़ने नहीं की जरूरत नहीं, आपने अपना रजिस्टर भी पढ़ लिया तो. डन, चलो आओ. पेज नंबर 16 अगेन. सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने लाया था? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेलस ने. अंदर में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? स्टेट. स्टेट का मतलब गवर्नमेंट. एमसीक्यू आया तो स्टेट ही लिखना है. गेटिंग? ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग. रिसोर्सेज वैसे एलोकेट होंगे जैसा सेंटर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. सेंट्रल प्लानिंग जैसा डिसाइड करेगा रिसोर्सेज वैसे एलोकेट किए जाएंगे. मार्केट फोर्सेस हैज नो रोल इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मार्केट फोर्सेस का कोई लेन देन नहीं. डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सब तेल लगाने गया. सेंटर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको कितना मिलना चाहिए. अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मिक्सिंग द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल. ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, अमीर गया तेल लेने के लिए. ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास. सिंपल.
इंपॉर्टेंट चैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट चैरेक्टरिस्टिक, पहला कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप भाई साहब, दिस देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप, ट्रेड फर्म विच में रिमेन इन प्राइवेट हैंड. बड़ी बड़ी हर चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, हालांकि छोटी छोटी कुछ चीजें किसके हाथ में रहेगी, प्राइवेट. जैसे कि एक टाइम था इंडिया के अंदर में यू नो कोल गवर्नमेंट के हाथ में, रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में, टेलीकॉम बीएसएनएल गवर्नमेंट के हाथ में, सारे बड़े सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के हाथ में, सारे बड़े सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में, और छोटी मोटी जो दुकानें थी ये आप ऑपरेट कर सकते थे. जैसा कि मैंने कहा हम सोशलिस्ट से कहाँ आए हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए हम लोग. एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज इन द केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी. द रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. भैया दो ऑब्जेक्टिव एक साथ पूरे करने पड़ते हैं. रिसोर्सेज आर टू बी यूज टू अचीव सोशियो इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव. दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग. दूसरा क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग. देर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू सेट एन अकॉम्प्लिश सोशल इकोनॉमिक गोल. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. एक सेंट्रल अथॉरिटी बैठी हुई होती है, याद है, यही तो मिसिंग था किसके अंदर में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. ये यहाँ पे अवेलेबल होता है और इसी के लिए इसे सोशियो इकोनॉमिक गोल कहा जाता है. प्रॉफिट भी बनाएंगे भला भी करेंगे, प्रॉफिट भी बनाएंगे भला भी करेंगे. एबसेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस. कंज्यूमर क्या कंज्यूम करना चाहता है, तेल लगाने क्या, गवर्नमेंट बताएगी क्या बनाना है. समझ में आई बात, गवर्नमेंट बताएगी क्या बनाना है, आप क्या खाना चाहते हैं. हाँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ, सॉरी नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, आप क्या देखेंगे इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, आप क्या सुनेंगे इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, आप क्या करेंगे इस पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है. जैसे वहां के लोग जीन्स अवेट करते हैं, जीन्स नहीं पहन सकते, टीवी के ऊपर ले दे करके सिर्फ दो चैनल चलते हैं, रेडियो के मामले में सिर्फ एक ही चैनल है जो भी देशभक्ति सुनाता रहता है. आई यू गेटिंग, आपने लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, नहीं सुना तो आज जागना, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना साउथ कोरिया, फिर वहाँ का आपको एक तानाशाह मिलेगा. वहाँ पे मतलब बोला ही यही जाता है पूरे वर्ल्ड में, साउथ कोरिया का तानाशाह किम जोंग. समझ में ही बात, मतलब उस आदमी ने गद्दी के लिए अपने रिलेटिव्स को भी पहुँचाया है, बहुत दूर दूर बहुत दूर पहुंचाया है. यस, सो फ्रीडम ऑफ हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सॉवरनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब बेचारा जब कोई पहन ही नहीं सकता, वहां पे बेचारा कोई जींस बनाने की फैक्ट्री भी डाल ही नहीं सकता, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो वहां पे जींस बनाने की फैक्ट्री भी नहीं डाल सकते. बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सोशियो इकोनॉमिक गोल्स बिफोर द नेशन. तो आप क्या करेंगे ये आपका चॉइस नहीं है, इट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. जब इनकम आ ही एक जगह पे रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे सबके साथ डिवाइड कर रही है, तो आप मोटे मोटे तौर पे तो ये मान सकते हो कि सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इक्वल. मोटे मोटे तौर पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हो. रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म. अमॉन्ग द अदर थिंग डिफरेंस इन इनकम एंड वेल्थ आर नैरोड डाउन बाय द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अक्लेम प्राइवेट कैपिटल. यस, जब कैपिटल ही एक है, गवर्नमेंट का कैपिटल है, तो प्रॉफिट जो बटेगा वो सब में बटेगा. इन शॉर्ट, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सिंपल. एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड. जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट हेल्ड ही सारी चीजें है तो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, खत्म. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस का कोई लेन देन नहीं है, जब गवर्नमेंट हेल्ड ही है तो डिमांड वाला कोई गेम ही नहीं है, कंपटीशन वाला कोई गेम ही नहीं है. गवर्नमेंट किस, आप कंपटीशन किससे करोगे, गवर्नमेंट से, तो वो सब पॉसिबिलिटी के ही बाहर है. एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, देर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अंडर सोशलिज्म. इन शॉर्ट, आप सारे पॉइंट देख सकते हो कि अपोजिट टू कैपिटलिज्म दिखेंगे आपको. एवरी पॉइंट इज अपोजिट टू कैपिटलिज्म. यस, चलिए रुकेंगे यहां, लिखेंगे कल. डन मेरा बच्चा, बाय बोलो बच्चों.